Hello students of 6th class, today we will start our third chapter of general knowledge, amazing facts of insects. First, आपका true or false, most of insects in the world live in the deep sea. ज़्यादातर संसार के कीड़े जो हैं वो insects जो है वो गहरे समुद्र में रहते हैं, जिसका answer है false. Second है, fireflies emit cold light which means they emit light without any heat. Fireflies जो है वो क्या होते हैं, जुगनू. आपने देखे होंगे रात के समय चमकते हैं, तो उनके खुद के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो चमकते हैं, उनको किसी भी हीट की ज़रूरत नहीं होती है. ट्रू, गोलाइट बैटल्स आर सो हैवी दैट दे कैन नॉट फ्लाई. गोलाइट बैटल्स जो हैं वो बहुत हैवी होते हैं, वो उड़ नहीं सकते, जिसका आंसर है फॉल्स. फोर्थ, हनी बीज मधुमक्खी कैन स्टिंग ओनली वंस आफ्टर विच दे डाई. एक ही बार डंक मार सकती है, उसके बाद वो मर जाती है, इसका आंसर है ट्रू. फिर है फिफ्थ, मॉस्किटोज कैन नॉट स्टिंग. मॉस्किटो जो है वो डंक नहीं मारते, दे जस्ट पंचर द स्किन. वो सिर्फ स्किन को पंचर करते हैं, यानी छिद्र करते हैं. ट्रू, आपने हनी बी और मॉस्किटोज का डिफरेंस पता होगा. हनी बी अपन को काटती है तो बहुत देर तक जलन रहती है, अपन को बहुत पेन होता है, क्योंकि वो कई बार अपना डंक जो है वो अपने अंदर ही छोड़ देती है. पर मॉस्किटोज़ ये नहीं करता, मॉस्किटो जस्ट अपनी स्किन को पिंच करता है बस. फिर है सिक्स्थ, व्हेन अटैक्टेड कैटीडेट्स कैन शेड अ लैम्प टू स्कैप द एनिमी. इन ये जो है इंसेक्ट, इसके पास एक ऐसी कला होती है जिसकी वजह से वो अपनी अपना शरीर का एक हिस्सा साइड में रख देता है, जिसकी वजह से एनिमी कन्फ्यूज़ हो जाता है. ट्रू. सेवन्थ जो है वो है हॉर्नेट्स, येलो जैकेट एंड सिकाडा किलर्स ऑल वेरियस काइंड्स ऑफ वेस्ट. ये सब एक प्रकार के ततैया हैं. ट्रू. एट, बटरफ्लाइज इफेक्ट एज अ टर्म एसोसिएटेड विद द वेदर फोरकास्टिंग. बटरफ्लाइज का जो इफेक्ट है वो वेदर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है. ट्रू, वेदर के साथ जुड़ा हुआ होता है. ट्रू. फिर है आपका बी पोर्शन, जो है आपको इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना है और बताना है कि ये कौन सा इंसेक्ट है. फर्स्ट, दिस पोल्का डॉटेड कॉर्निवोर इज ऑफन सोल्ड टू फार्मर्स टू कंट्रोल पेस्ट सच एज एफिड स्केल्स एंड माइट्स. ये देखिए पोल्का डॉटेड दिख रहा है आपको इंसेक्ट, तो ये जो पोल्का डॉटेड इंसेक्ट है ये अक्सर किसानों को बेचा जाता है ताकि ये एफिड स्केल और माइट्स जैसे कीटों को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं और कंट्रोल कर सके. ठीक है, सेकेंड जो है वो आपका है, इन्हें कहते हैं लेडी बर्ड. सेकेंड है, दिस स्पीसीज ऑफ ऑरेंज एंड ब्लैक बटरफ्लाइज माइग्रेट्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट समटाइम्स कवरिंग मोर देन 3000 किलोमीटर. तो ये जो ऑरेंज और ब्लैक रंग की तितली की ये प्रजाति है, ये एक प्रजाति है जो इसमें बताया गया है तितलियों के बारे में, जो कि महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स पे पाई जाती है, और ये कभी कभी 3000 यानी 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी ज़्यादा की दूरी तय कर लेती है. इसको कहते हैं मोनार्च बटरफ्लाई. थर्ड है, दिस वन इज़ ऑल्सो नोन एज द डेविल्स नीडल. इसे शैतान की सुई के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई. ये देखिए ड्रैगन फ्लाई, और ये देखिए आप मोनार्च बटरफ्लाई. फिर है फोर्थ, विंगलेस एंड शाइनी दीज इंसेक्ट्स आर बुकवॉर्म्स एंड फेड ऑन ग्लू पेपर एंड इवन क्लोथ्स. आपने सिल्वर फिश देखी होगी, इसको कहते हैं सिल्वर फिश. आपने देखा होगा एक शाइनी सा कीड़ा होता है कपड़ों के अंदर, कई बार देखना. ठीक है, इसको ये देखिए, दिखा आपको, जिसके कोई भी पंख नहीं होते, सिर्फ ये शाइन करता है, इसकी बॉडी शाइनी होती है, इसे कहते हैं सिल्वर फिश. फिफ्थ है, दिस नोटेरियस प्लांट पेट्स ऑल्सो कॉल्ड प्लांट लोइस कैन प्रोड्यूस अबाउट 50 बेबीज पर वीक. एफिड, इसको कहते हैं एफिड. ये एक ऐसी प्लांट की जू है जो कि बहुत बदमाश है, और ये हर हफ्ते 50 बेबीज़ को जन्म देती है, इसे कहते हैं एफिड. तो ये आपको खुद को पढ़ना है और अपनी बुक में करना है, और आपको ये लर्न करना है.